दोस्तों, हाई राइज का एक कंसेप्ट ऐसा चल गया है गुड़गांव के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगता कि 20,000 इससे कम आना हो या उससे कम या और ज़्यादा। हर प्रोडक्ट के अंदर हाई रेट आपको सुनने को मिलते हैं, और इस रेट को देखते हुए हर किसी का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। तो ज़्यादातर 99% लोग ये सोचते हैं कि कुछ छोटा आ जाए, 2 का, 2.25 का, 1 का, 1.5 का, यहाँ तक कि कोई हाई रेंज प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव या अदर एरिया की बात करें, जैसे रिसेंटली अभी एटी के अंदर 2 प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे कि शोभा आ रहा है वहाँ पे, कौनसियन का रेरा आ गया है, या क्रीसुमी की बात करें, या गंगा की बात करें, या सिग्नेचर की बात करें, या और भी कई ऐसे डेवलपर आ रहे हैं, जैसे कि एसपीआर रोड पे एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी कुछ अभी प्रोडक्ट आने हैं। तो वहाँ भी देखोगे तो आप तकरीबन 6 से 7 करोड़ की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट दोस्तों, एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आने वाला है, बट उसका रेट भी रीजनेबल है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, बट हमारा माइंडसेट नहीं है, हम यही गलती करते हैं। दोस्तों, चढ़ी हुई मार्केट में तो कोई भी चीज़ें लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, बट धीरे बढ़ेंगे, हो सकता है आगे जाके आप नहीं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें 30% एग्जिट का गेम मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं और नहीं एग्जिट हो पाते। बट हम यहाँ पे आपको ये सजेशन देते हैं दोस्तों कि आप एक तो लो बजट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दूसरा आपका, मैंने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पेमेंट प्लान मैन होता है आपकी ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा कंसेप्ट होता है जी आपका जो मॉडल है प्रोडक्ट का, वो मॉडल किस टाइप का है कि आपसे लोग खरीदने आए ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेच्योर हो पाए। तो मैं सजेशन दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर जाके एंटर होना चाहिए आज के टाइम, क्योंकि ये प्रोडक्ट जल्द लाइव आ रहा है, और इस लाइव आने के बाद हर कोई उसके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि एलिवेशन बहुत गजब का है, लेआउट बहुत गजब के है, और रेट रेट आसपास है नहीं बाजार के अंदर। ये मान लो मोटा मोटा आप एक तिहाई रेट के अंदर ये चीज़ें खरीद रहे हैं और आप एक अच्छा एप्रिसिएशन भी गेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे की और ग्लोबल सिटी की अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ है, आप देखेंगे अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ी है तो ग्लोबल सिटी का नक्शा है वो पास हो चुका है, और पिछले 3 से 4 महीने से काम ग्लोबल सिटी के ऊपर चल रहा है, और ये जो मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ ये मैं ग्लोबल सिटी के नियर बाई में कर रहा हूँ, और बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ। जल्द ही आपको इस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ आपको वीडियो भी बना के देने वाला हूँ, बट उससे पहले हो सकता है कि जब ये वीडियो आए तो रेट यहाँ पे आपको रिवाइज मिलेगा। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको ना तो कोई रेट के डिस्कस कर रहा हूँ और ना ही उस प्रोजेक्ट के नाम की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट भी होने वाला है, लेकिन आपको हो सकता है आपको नहीं पता हो और हो सकता है आपको पता हो। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे एंड यूजर के पर्पज से मिलेगा। जैसे कि आप अगर एग्जांपल दूं, आपने अगर सेक्टर 59 के अंदर हाइंस का प्रोडक्ट देखा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग हुई थी किसी टाइम वो 10,200 की हुई थी, आज 20,000+ की रिसेल वैल्यू, जितना पोटेंशियल उस प्रोडक्ट ने जितना प्रॉफिट आप लोगों को दिया वो शायद अभी तक बाजार में किसी ने नहीं दिया। सेम वही स्टोरी दोबारा आ रही है, अगर आपने इस मौके को गवा रहे हो सकता है आप बेटर इन्वेस्टमेंट ना कर पाओ, हो सकता है आप एक ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट ना कर पाओ जो आप ढूंढ रहे हो, बट आप ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने जा रहे हो जो आपके जो मनी रोटेशन और आपके जो प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम देगा, और उस पर जब आप निकालने भी जाओ तो फाइट आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं दोस्तों, ना कि रेट के ऊपर। अगर आप एक हाई रेट के अंदर जाके हाई वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं तो हाई वैल्यू तक का आपको टाइम भी देना पड़े, हो सकता है वो 10 साल आपको टाइम देना पड़े उस प्रॉफिट के लिए, हो सकता है 6 साल देना पड़े। तो रेट को आप ऐसे सोचो कि आप जब बाई कर रहे हैं क्या वो रेट रीजनेबल है, क्या वो रेट आप आगे बेच पाएंगे, क्योंकि दोबारा से हर चीज़ का एक टाइम है, जैसे कि लैंड का टाइम था, प्लॉट चल रहे थे, दबादब प्लॉट बाइंग, प्लॉट फलाने दीन दयाल वो बंद हो गई, कंसेप्ट आ गया हाई राइज का। हाई राइज के बाद ये भी ज़्यादा नहीं, हाई राइज के बाद कोई दूसरा कंसेप्ट हो सकता है, कमर्शियल का टाइम आ जाएगा, बाकी कमर्शियल भी चलने वाला है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल तो हमने बना के दे दिया, अब बात आती है जी कमर्शियल में, अब एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना है ना,
तो दबा दब आप कमर्शियल आप हो सकता है देखने को मिले, चाहे उनमें वो SU हो, ऑफिस स्पेस हो या रिटेल शॉप हो, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप न्यू मास्टर प्लान और गुड़गांव का जो 58 से सेक्टर 115 तक का जो हिस्सा देख रहे हो, उतना ही कमर्शियल है जितना आपका रेजिडेंशियल है। हर एरिया के अंदर कमर्शियल है, तो हो सकता है ये भी चीज़ें आपको जल्द देखने मिल जाए। और हो सकता है कि जैसे फोर्थ फ्लोर का प्लान आ जाए तो आपको प्लॉट भी देखने पड़े, बट मैं नहीं मानता कि प्लॉट की ज़्यादा आएंगे, क्योंकि प्लॉट बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं, तो लोग ज़्यादातर रेजिडेंशियल की तरफ भाग रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हाई राइज का सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको जानना और समझना, तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल, कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप, ये जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको एक छोटी छोटी में आपको यहाँ पे देते रहते हैं, ताकि आपको अप टू डेट आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।